टॉपिक करेंगे बाथटब के ऊपर, यानी बाथटब थेरेपी जो हम लेते हैं वो लोगों का कंफ्यूज रहता है कि हम लोग कौन सा बाथटब यूज करें, ठीक है, और कहाँ ये मिलेगा, कितने प्राइस में मिलेगा, इसका भी जो है आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पहले मैं कुछ बाथटब के ऊपर बता देता हूँ कौन कौन से बीमारी में ये फायदा करता है और आप इसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आप सबको तो पता ही होगा जो बाथटब है, बाथटब थेरेपी, ठीक है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। हम आयुर्वेदा में इसको यूज करते हैं, और शायद आपने नहीं जानते होंगे जो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हैं, योगिक जो रिमेडी है, थेरापीज है, वहां पे ये यूज किया जाता है। हाँ, किडनी के लिए अभी जो ग्रांट प्रोटोकॉल निकला है वो एक नया नया मतलब ऐसा है कि वो डिस्कवरी है, वो पहले पुराने में था तो उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के सामने लेके आए, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। खाली किडनी नहीं, किडनी के साथ साथ और भी डिजीज, जैसे आप मान लीजिए स्पॉन्डिलाइटिस है आपको, ठीक है, एंकाइलो स्पॉन्डिलाइटिस है, रिमेटाइड है, यानी शरीर में जितने भी आपका इन्फेक्शन होता है, जो आइटिस इन्फेक्शन होता है, तो वो सब में बाथटब थेरेपी काम करता है। और जो टेम्परेचर है 40 डिग्री, ये एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर, ठीक है, और इसे ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, 45 तक लेके भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस डिजीज। अगर आपको थायराइड है, ठीक है, थायराइड क्या होता है, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, तो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर को भी ये बाथटब थेरेपी में यूज किया जा सकता है, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थायराइड को बाथटब थेरेपी यूज करके और कुछ डाइट का योगा प्राणायाम करके जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। और कुछ जैसे कि आपका इन्फ्लामेशन, अगर लीवर में कोई इन्फ्लामेशन है, कोई लीवर में सीस्ट हो गया है या फैटी लीवर हो गया है, ठीक है, बिलिरुबिन बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी ये फायदा करता है। एसजीपीटी, एसजीओटी अगर आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका ये फायदा करेगा, हॉट रॉड रिमूशन, इससे पसीना निकलेगा, और पसीने की आपको तो पता होगा कि पसीने से जितने भी टॉक्सिन्स मटेरियल्स हैं वो निकल जाए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछे कि सर कितने टाइम टाइमिंग इसका क्या है। देखिए, टाइमिंग सबसे बेस्ट टाइमिंग है बाथटब थेरेपी करने का, आप 8 से बाद, यानी मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, 8-9 बजे कर सकते हो। अभी विंटर है तो जब सूरज की किरणें आ जाएगा तब आप कर सकते हो, 8-9 बजे कर सकते हो। शाम को ज्यादा लेट मत करना, 5-6 बजे मैक्सिमम इतने तक जाइए, अभी विंटर है, ज्यादा लेट मत करिएगा, ठीक है, और दिन भर में बीच में जब भी चाहो कर सकते हो। और जो ओल्ड एज पीपल है उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो बाथटब थेरेपी है 10 से बाद और 4 से पहले करना, ठीक है, ज्यादा लेट मत करना, और कंटिन्यू 2 आवर अगर नहीं बैठ पाता तो 1-1 घंटा बैठो, अगर 15 मिनट या 10 मिनट भी बैठ पाते हो तो उतना ही कर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर बाथटब तो हमने अभी बाथटब में बैठ के कर लिया, क्या डायरेक्ट फैन के नीचे हम आ जाएंगे, यानी पसीना तो निकला होगा ना उस टाइम, तो फैन के नीचे आ जाएंगे, नहीं, फैन के बिल्कुल नीचे नहीं आना है तुरंत बाद, क्योंकि सर्दी हो सकता है, बुखार हो जाएगा, इसलिए शरीर को अच्छे से पोंछ लीजिए टॉवल से। हाँ, पोंछने के बाद फिर आप तो हल्का इनडायरेक्ट हवा में बैठ सकते हो, नॉर्मली बैठिए, और ये एक बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, आप सबको पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को। और भी चीज है कि हॉट वाटर करने के बाद तुरंत कुछ नहीं खाना है, ना खाना है ना पीना है, अगर पानी भी पीना है तो कुछ दिन कुछ टाइम छोड़ दीजिए, मतलब गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी यानी जो आप लूकवार्म जिसको करते वो आप पी सकते हैं, ठीक है, खाना नहीं खाना चाहिए, 1 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हो, मिनिमम 45 मिनट्स के बाद आप खाना खा सकते हो, ये बात का हमेशा ध्यान रखिए, लोग गलती करते हैं, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोग्राम इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, और बहुत सारे लोग जो घर पे खुद कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए। अभी कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि सर पानी का चेंज हम कितने दिन में करें। देखिए, पानी को आप जनरली 4-5 दिन 7 दिन में चेंज कर सकते हो, बट अगर ऐसा लगे कि नहीं पानी ज्यादा खराब हो गया तो भी आप चेंज कर सकते हो। और पानी को हर दिन देखिए, गर्म होने के बाद आप बैठते हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, फिर भी थेरेपी करने के बाद उसे ढक लो, कोई एक पॉलिथिन में या कुछ करके ढक लो, और 2 दिन के बाद फिर आप फिटकरी एंड एलोवेरा दोनों को कूट के मिला लीजिए, मिला के डाल दीजिए, तो वो
डिसइन्फेक्टेंट काम करेगा। सॉरी, तो इससे क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह फॉर्मेशन हुआ होगा तो वो कम हो जाएगा और स्मेल भी नहीं आएगी, ठीक है। और चाहो तो आप स्मेल के लिए फिटकरी डाल सकते हो, इतना वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और एलोवेरा भी डालेंगे तो वो एंटीबैक्टीरियल है, वो बहुत अच्छे से काम करती है। और आप तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है? मैं तो मेरे पास अभी 3-4 क्वेश्चन आए थे। और एक क्वेश्चन रहता है कि सर, बाथटब जब हम करते हैं बहुत ज्यादा वीकनेस लगता है, बहुत ज्यादा वीकनेस बहुत सारे लोगों को लगता है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? देखिए, बाथटब थेरेपी में मैं जैसे बोला कि बहुत सारे डिजीज में ये यूज होता है, ठीक है। अगर लिगामेंट कोई प्रॉब्लम हो गया, लिगामेंट में लिगामेंट इंजुरीज है, मान लीजिए आपको आप गिर गए कहाँ पे, ठीक है, अभी आप जा रहे थे गाड़ी में गिर गए, या घर में भी आप गिर जाते हैं, तो तुरंत अगर आपके आप बाथटब में बैठ जाएंगे, भले गले तक पानी ना रहेगा तब भी चलेगा, छाती तक रहेगा तब भी चलेगा, ठीक है। अगर बैठ जाते हैं तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। और ये नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में इसे किया जाता है, मड थेरेपी है, और कॉटिशनन जिसको आप बोलते हो, पाइल्स के लिए ये थेरेपी भी यूजफुल है। हालांकि पाइल्स में आपको छोटा सा टब के अंदर भी बैठ सकते हो, बट अगर इसे आप कमर तक अगर पानी रहेगा बैठोगे ना, तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगा, फायदा करेगा, ठीक है। और जिन लोगों का कमर दर्द करता है वो लोग भी इसे बैठ सकते हैं। और नॉर्मली हेल्दी पीपल, जिन लोगों कोई बीमारी नहीं, वो भी 7 दिन में 2 बार तो बैठना चाहिए उनको। अगर बैठेंगे तो फायदा करेगा, टॉक्सिन्स अपने आप निकलते जाएगा। पहले जमाने में क्या होता था, जो नदियां थे और ये पंड वगैरह, उसमें हम नहाते थे तो नाभि तक पानी रहता, ठीक है ना, या कभी कभी छाती तक पानी आ जाता था, तो फायदा करता। अभी तो वो मतलब लेक भी नहीं है, छोटा सा जो है रिवर भी नहीं रहा, और ये पॉन्ड भी नहीं रहा, तो क्या करें? अभी घर में इसको बनाना चाहिए। हर दिन अगर आप गर्म पानी में नहाओगे नॉर्मली, तो रूखा हो जाएगा स्किन, जिस वजह से खुजली होता है स्किन, ठीक है। अगर खुजली होता है स्किन में, तब आप 2 चीज कर सकते हो, आप फिटकरी लो और थोड़ा सा जो आपकी कोकोनट ऑयल, दोनों को ऐसे करके लगा सकते हो, वो भी फायदा करेगा। नहीं तो आप थोड़ा देसी प्योर देसी घी कंजप्शन कर सकते हो, मील लेने के बाद 1/2 चम्मच थोड़ा सा कंजप्शन कर सकते हो, नहीं तो गर्म पानी में थोड़ा सा 1/2 चम्मच मीडियम साइज का जो चम्मच आता है, 5 ग्राम का जो चम्मच आता है, लगभग 2 से 2.5 ग्राम तक आप जो घी है वो ले सकते हो, अगर शरीर में ज्यादा खुजली कर, ठीक है, तो ऐसे ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि शरीर में जो रूखापन है वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। और एसिडिटी, अगर इसके वजह से एसिडिटी भी अगर होता है, तो एसिडिटी में आप लोग क्या करोगे, अभी फेसबुक में हमारा वो सारे बहुत सारे वीडियो शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं, वो आप देख लीजिए, फेसबुक में सर्च करना लीव नेचुरोपैथी, वहां पे आ जाएगा। नहीं तो हमारे लीव विथ नेचर, इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड न्यूट्रिशन, वो भी सर्च करना, वो भी आ जाएगा। तो वहां पे भी है एसिडिटी में क्या कर सकते हो वो सारे, ठीक है। एसिडिटी में एक नुस्खा आपको बता देता हूँ, हालांकि ये नुस्खा नहीं है, पूरा प्रॉपर हर्बल ट्रीटमेंट है। देखिए, अगर आपको ज्यादा एसिडिटी है तो लू का वाटर पीजिए, उसमें फायदा करेगा। फिर भी आप 3 डेज का जो स्टोमाक प्रोटोकॉल है वो लीजिए। नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, सबसे बढ़िया एसिडिटी, अगर रूखा और एसिडिटी, वात पित्त कफ की बात नहीं कर रहा, अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है उसके साथ रूखापन है, तो घी सबसे बेस्ट है, ठीक है, घी बेस्ट है। और शरीर के ऊपर तिल का मालिश कर, तिल का तेल का मालिश कर, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। और कुटकी भी फायदा करता है, कुटकी एक मेडिसिन था मेरे पास, मैं देखता हूँ शायद अभी नहीं है, वो भी फायदा करता है, कुटकी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस कुटकी मेडिसिन मिल जाता है आपका आयुर्वेदिक आसाराम जी बापू के, उनका जो स्टोर होता है वहां पे जाएंगे, लीवर के लिए वो मांगेंगे तो वो मिल जाएगा, और पतंजलि का भी मिलता होगा, मैं पतंजलि के बारे में इतना नहीं जानता, आसारम जी का जो वो मेडिसिन वो भी अच्छा काम करता है, टैबलेट फॉर्म में, ठीक है।
और हॉट वाटर के बारे में लगभग सारे जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अभी आपसे मैं सुनना चाहूंगा क्या क्वेश्चन है, इसलिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इतना पूछ सकते हैं, नेक्स्ट 10 मिनट में हम एंड करेंगे। सर नमस्कार, संग्राम बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर आपसे बात हुआ था कि ये जो भी सर आप बता रहे हैं हॉट वाटर थेरेपी या हेड डाउन टेल या DIP डाइट जो भी है, ये कितने बच्चे, छोटे बच्चे या कितने एज से हम इसको शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो देखा जाए जो जो बच्चे मुंह से खा सकते हैं वो इस जी सर, थेरेपी को भी यूज कर सकते हैं, बट फिर भी आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि डिजीज के हिसाब से आप एक डॉक्टर की कंसल्ट में, गाइडेंस में ये करें, खुद से ना। ठीक है, जो डॉक्टर बोलेंगे उसी जी हिसाब से आप करें। कितना एज है, क्या कंडीशन है, एनवायरनमेंट क्या है, उसी हिसाब से आप करें, उससे ना करें। सर, डॉक्टर डॉक्टर की बात करें तो जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा था RML या दिल्ली एम्स में दिखा रहा था, तो इनसे कुछ भी इस टाइप का बात किए करें कि सर ऐसा कुछ अल्टरनेट है, मतलब जैसे आयुर्वेदिक की, ये तो आपकी ट्रीटमेंट तो बाद की बात है, जैसे आयुर्वेदिक की नाम लेते हैं वो सीधी बोल देते हैं भाई गार्डियन तू है, बच्चा तेरा है, तुझे जो करना है कर, हमारा पास ऐसा कुछ है नहीं, तो एक्चुअली हम उनसे इस बस बारे में हम बात भी नहीं कर सकते हैं। वो लोग तो बोल ही दे दिया ना कि उनके पास कुछ है नहीं। जितने भी किडनी पेशेंट हैं हमारे, वो सारे सर एलोपैथी से जाके अपना सब कुछ गवा के आ रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, इसलिए तो आके ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि डायलिसिस कैसे, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी कम हो, कैसे सब कुछ हो, तो धीरे धीरे कम होगा। और ये जो प्रोसेस आपने बताई, ये हॉट वाटर थेरेपी, ये कोई मतलब ऐसा है कि सदियों से ये चलता आ रहा है। जी अगर सर देखिए, अगर मेडिसिन से लोग ठीक होते तो डायबिटीज बहुत सारे लोगों को ठीक हो चुका, मेडिसिन से नहीं हो रहा है ना, हम देख रहे हैं नहीं सामने हो रहा नहीं हो रहा। जी हाँ, भले हम लोग, क्या होता है कि जो अभी मीडिया या जो भी मेडिसिन माफिया होता है उनके वजह से सारे जगह पे एलोपैथी आप देख रहे, बट एलोपैथी जी भी यूजफुल है किस कंडीशन में, तो वो समझना पड़ेगा। आयुर्वेद भी यूजफुल है किस कंडीशन में, वो समझना पड़ेगा। इसलिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का प्रैक्टिस करता है। जैसे ये प्रोटो, जी सर, आप जी किडनी के लिए, आप किडनी के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किडनी के लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्रार्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जिसमें हॉट वाटर इमर्सन है, HDT है, डाइट है सारे, फिर आपको आर्ट थेरेपी अभी जो लॉन्च हुआ उसको फॉलो किया जाता है। वो स्पेशली जो है आर्थराइटिस पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है, स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट के लिए बेस्ट है, एंकाइलोस स्पॉन्डिलाइटिस के लिए वो भी बेस्ट है, वो सारे। फिर आपको एक्यूप्रेशर, फिर आपको जो है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, हर्बल मेडिसिन, ये सारे जब आप फॉलो करेंगे तभी जाके आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। कोई सिंगल जी पर्सन सर, जब अभी, इसमें या ये बोलिए जो हॉट बोलिए। ये आर थेरेपी बता रहे हैं, जैसे मान तो सिटी में तो ठीक है पॉसिबल नहीं है, कभी एक साल में हम जमीन पे उतरते हैं, गांव में जो बंदा रहते हैं सर ये तो हमेशा ही जमीन पे ही रहते हैं कंटिन्यू, तो देखिए, उनकी केस में क्या? वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें हम कभी बाद में जी डिस्कस कर सकते हैं। अभी हॉट वाटर थेरेपी के बारे में और क्या जानकारी है वो हमें बताइए, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम डेडिकेट किया है हॉट वाटर हॉट थेरेपी के लिए, वाटर से। या सर मैं हॉट, मेरे क्वेश्चन सवाल यही था कि सर कितने कम एज बच्चों से स्टार्ट या करूं, अभी अभी शायद जो मेरे आपका, बच्चे की कंडीशन है उसकी सर अभी जो KFT रिपोर्ट है वो सब कुछ अभी नॉर्मल पैरामीटर में है, और इसकी फिजिकली कोई बाहर से ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है या क्लिनिकली भी कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, तो सिर्फ फिर ठीक DMSS स्कैन में उसमें परसेंटेज थोड़ा कम दिखाया था, है। तो मैं वही कह रहा था क्या अभी मैं हॉट वाटर थेरेपी शुरू कर हॉट वाटर सकता हूँ, थेरेपी और जैसे कीजिए, बताया कि हॉट वाटर थेरेपी कीजिए, डाइट को सही कर लीजिए, ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एक चीज करें, जिन लोगों को हॉट वाटर थेरेपी में कहाँ से परचेज करना है हॉट वाटर टब और मशीन वो नहीं जानते, तो उनको मैं बता देता हूँ कि पिछले 6 महीने से
हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, अभी 1 महीने से ये लॉन्च हुआ है और इसका प्राइस जो है नॉर्मल प्राइस से आधा हो गया। बाकी जो बाथ टब है जिसके अंदर पानी रहेगा वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो नॉमिनल प्राइस में 5,000 या 5,500 में हम देते थे वो अभी नहीं, तो वो बन के रेडी हो जाएगा 1 हफ्ते में, तो रुक सकते हैं। नहीं तो हमारे जो प्रीमियम जो हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं फर्श मशरूम व्हाइट कलर का, वीडियो देखे होंगे आप, तो वो आप यूज कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बाकी तो दोनों आप चाहे तो ले सकते हैं, वो हम फोन करिए, हम डिस्कस करेंगे। बाकी हॉट वाटर के लिए और किसका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। सर बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ही था, तो इसको कितने टाइम के लिए, बच्चे एज के हिसाब से टाइम सिलेक्ट करेंगे या डिजीज के हिसाब से या वेट के हिसाब से, किस हिसाब से देखिए, ये सिलेक्ट करेंगे? ये पहले देखना होगा कि आपके जो बच्चा है वो मतलब उसका एज, फिर फैक्टर डिपेंड करेगा कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, स्कूल जा रहा है, क्या खा रहा है, ठीक है, कौन मतलब आपका वर्क स्टाइल भी वहाँ पे मेजर करना पड़ेगा। फिर जाके कोई एक एक्सपर्ट डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है कि आप क्या करो, वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, जनरलाइज ट्रीटमेंट ओके नहीं है, ओके क्योंकि ओके जब कोई ठीक एज यानी 45-50 के ऊपर कोई अगर बंदा है या छोटे बच्चे हैं उनके लिए जनरल ट्रीटमेंट नहीं है। हम जो जनरल आपको YouTube में हम सारे बताते हैं, पीआरसीजी बताते जी हैं, सारे वीडियोस आप देखते हो, वो सारे जनरलाइज ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। जनरल बहुत सारे जी लोगों का हेल्पफुल होगा वो वीडियो, कुछ लोगों का हेल्पफुल नहीं होगा, कुछ लोगों का हॉट नहीं वाटर होगा थेरापी में सर। ट्रीटमेंट कम नहीं होता है, कुछ लोगों का हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है आपका, ठीक है, वो चेंज कब होगा ओके जब आप एक एक्सपर्ट से राय लें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है और किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते सर, हैं। सर जी ये क्वेश्चन है मेरे पास। मैं फतेह से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि अभी हम लोग जो टाइमिंग कैसे, सुबह सुबह का करने का है क्या, शाम को कर सकते हैं? खाना खाना बाद में नहीं खा सकते तो ना, नहीं, खाना खाने खाना के बाद में पहले नहीं कर कर सकते सकते, क्या? पूछिए। मीन्स अभी लंच करके ड्यूटी पर करके शाम को जाते हैं 4 बजे, 4:30, 5 बजे जैसा जाके आधा घंटा ये ट्रीटमेंट में बैठेगा, पानी में बैठेगा, तो मुश्किल है क्या पूछ रहा हूँ। ये शाम को आप 5 बजे मैक्सिमम 5:30, विंटर आ गया तो जल्दी जल्दी करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, और मॉर्निंग 8-9 बजे के बाद अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, और ज्यादा लेट मत करिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोने से पहले नहीं करना चाहिए, सोने से पहले आपको लोअर लेग हॉट वाटर करना चाहिए, ठीक है, जो घुटने तक पानी रहेगा वो करें। बीपी पेशेंट को वो सबसे बेस्ट फायदा करेगा, किडनी पेशेंट भी कर सकते हैं और डायबिटिक पेशेंट भी कर सकते हैं, पर स्पेशली बीपी पेशेंट को ज्यादा फायदा है। यस, और टाइमिंग का जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, और चंद्रजीत यादव जी बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। यस, आवाज नहीं आ रहा है आपका, तो 1 मिनट रुकिए, तो आप अनम्यूट करिए, मैंने ये कर दिया, अनम्यूट करिए अभी। वन आपके बोला बिहाफ पे होगा। यस बोलिए। मेरा नाम चंद्रजीत यादव, मैं वडोदरा से हूँ। यस मुझे सर एक बाथ टब लेना है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना था कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। दरअसल मेरा योग सेंटर चलता है तो उसमें यस मैं यूज करना चाहता हूँ, यस तो उसके लिए मुझे आपको सलाह चाहिए थी कि कितना ओके। लीटर पानी कंज्यूम होगा और कितना समय टेम्परेचर आएगा। देखिए सर, हम लोग पेशेंट को भी सप्लाई कर रहे हैं, सिंगल यूनिट भी कर रहे हैं, और प्रोफेशनल्स के लिए हमारा यूनिट भी है। प्रोफेशनल्स के लिए हम लोग 2 किलोवाट का भी लॉन्च कर रहे हैं, पहले 1.5 किलोवाट का सिंगल होम यूज के लिए था, अभी जो है हम 2 किलोवाट का अभी लॉन्च कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल्स के लिए होगा। 3 किलोवाट का भी बात चल रहा है, वो नहीं है। बाकी आपके जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें बताइए और हम कर देंगे, कितना अमाउंट है क्या है वो हम फोन पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके जो पानी रहेगा इसके अंदर वो लगभग 250 से 300 लीटर रहेगा, ठीक है, पानी को ये गर्म करता है। टाइमिंग लगता है 1.7 आवर, लगभग 1.6 से 1.7 आवर लगता है, और अगर आपको जल्दी थोड़ा पानी गर्म करना है तो आप गीजर का यूज कर सकते हैं, अगर घर में कोई एक्स्ट्रा गीजर होगा, नहीं तो 300-400 रुपया में जो इमर्सन रड मिलते हैं वो अगर डाल देंगे तो हाफ एन आवर से 45 मिनट के अंदर अंदर वो गर्म कर, ठीक है, वो फायदेमंद रहेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा तो आप
इमर्सन रॉड निकाल दीजिए, फिर कंट्रोल करेगा वो मशीन, ठीक है, ये फायदा रहेगा। इसका कॉस्ट, देखिए कॉस्ट के बारे में जितने सारे डिटेल्स हैं हम लोग अभी पब्लिक हेल्थ तो बोल नहीं सकते क्योंकि अभी आपकी प्रोफेशनली यूज के लिए है, होम यूज के लिए होम यूज के लिए प्राइस है 8,900 इंक्लूडिंग जीएसटी एंड ट्रांसपोर्टेशन। बाकी इस रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन है हॉट एंड रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। अभी देखिए सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ज्यादा आप जो है अपना माइक ऑन करके ज्यादा बात ना कीजिए, जिन लोगों को अपना जो है बात करनी है वो लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग जो है अभी अनम्यूट कर सकते हैं सब, ठीक है, मैं अलाउ कर दिया हूँ, जो लोग जिनको पूछना है अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले 5 मिनट में 3 मिनट में वाइंड अप करेंगे। देखिए हमारा जो हॉट वाटर इमर्शन थेरापी जो लोग हमारे ट्रीटमेंट लेते हैं, मैं ट्रीटमेंट के बारे में ब्रीफली कुछ बताता हूँ। जो लोग किडनी के ट्रीटमेंट लेते हैं हमारे पास से, या बीपी उनको है, डायबिटिक है, तो वो करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उनको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी देते हैं, जनरलाइज ट्रीटमेंट भी देते हैं, उनको योगा सिखाते हैं, उनको प्राणायाम मेडिटेशन सारा कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, और एक्यूप्रेशर भी बताया जाता है, हर्बल मेडिसिन भी बताया जाते हैं, और ग्रैड टर्म में स्पेसिफाइड टाइमिंग के साथ उनको सिखाया जाता है, 1-to-1 कल करके डॉक्टर उनको गाइड करते हैं। बाकी योगा सेशन भी रहते हैं, स्पेशली प्राणायाम वगैरह किडनी पेशेंट के लिए, बीपी पेशेंट के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए, 3 डिजीज का हम ज्यादा करते हैं। बाकी अदर डिजीज आपको है तब भी हॉट वाटर इमर्शन जरूर करिए। सबको मैंने एक जो है सेंड किया होगा पीडीएफ, उस पीडीएफ में बहुत सारे डिजीज का लिस्ट है, वो लिस्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है, और हॉट वाटर इमर्शन के बारे में हमारा रिसर्च भी चल रहा है और एक हम बुक निकाल रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा होगा जो कि आपको फायदा करेगा समझ में और अच्छे से, क्योंकि अभी सब जानते हैं कि गले तक पानी देता है। बाकी कटि स्नान कैसे किया जाता है और भी बहुत सारे स्नान कैसे किया जाता है, नॉर्मल हॉट वाटर थेरापी आप नॉर्मल ले सकते हो, या कभी कभी मान लीजिए अपने गिर गए, या आपको कोई जैसे काट लिया, अगर कोई इंसेक्ट काट लिया तो उसको भी हॉट वाटर थेरापी से आप मतलब उसका जो पॉइजन है वो कम कर सकते हो, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं, नहीं तो हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट 2 मिनट में चलिए और एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो लोग आज के सेशन से मशीन लेना चाहते हैं, हॉट वाटर मशीन थेरापी टॉप हो या मशीन हो कंट्रोलर हो, अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे तरफ से एक किडनी डायबिटिक और हाइपरटेंशन यानी बीपी का एक डाइट चार्ट रहेगा, ठीक है, एक फुल फ्लेज्ड डाइट चार्ट रहेगा जो उनको फायदा करेगा। चलिए हम सेशन एंड करते हैं, अभी नेक्स्ट मेरा क्लास है, ओके, ठीक है, सबको थैंक यू, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू सो मच, नमस्कार।